बांग्ला फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री नुसरत जहां ने 2 साल पहले काफ़ी सुर्खियां बटोरी थीं। इसकी वजह थी अभिनय से राजनीति में कदम रखते हुए साल 2019 के लोकसभा चुनाव में TMC के टिकट पर उनकी बशीरहाट संसदीय सीट से बड़े अंतर से जीत और उसके महीने भर के भीतर ही एक मारवाड़ी व्यापारी निखिल जैन के साथ तुर्की में की गई शादी। उसके बाद कभी दुर्गा पूजा के मौके पर ढोल बजाकर तो कभी अपने बयानों के जरिए वो लगातार सुर्खियों में बनी रहीं। अब वे एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह अलग है। उन्होंने अपने पति निखिल जैन पर तमाम आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी शादी कानूनी तौर पर वैध नहीं थी। नुसरत ने दावा किया है कि उन्होंने कभी निखिल से शादी नहीं की थी, लेकिन लोकसभा की वेबसाइट पर पश्चिम बंगाल के सांसद के तौर पर दर्ज उनके नाम के सामने विवाहित और पति का नाम निखिल जैन लिखा हुआ है। सवाल उठता है कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल नुसरत और उनके पति निखिल में अनबन की खबरें तो बीते कोई 6 महीने से छन छन कर सामने आ रही थीं, लेकिन नुसरत या निखिल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। उसके बाद BJP नेता यश दासगुप्ता, जो बीते चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी थे, उनके साथ नुसरत की नजदीकियां बढ़ने की खबरें आने लगी। बीते दिनों इन दोनों ने एक साथ अजमेर शरीफ समेत कई शहरों के दौरे किए, लेकिन हाल में नुसरत के गर्भवती होने की खबरों के बाद यह विवाद अचानक तेज हो गया। नुसरत और निखिल पिछले 6 महीने से अलग अलग रह रहे हैं, ऐसे में कई तरह के सवाल पूछे जाने लगे। इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में इस दंपति के निजी जीवन की परतें धीरे धीरे उधड़ने लगीं और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि नुसरत ने खुद शुरू किया। जानी मानी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी अपने एक फेसबुक पोस्ट में इस मामले पर लिखा था कि अगर यह अफवाह सच हैं तो क्या निखिल और नुसरत का तलाक होना ही बेहतर नहीं है। उसके बाद ही नुसरत ने दावा किया कि उन्होंने निखिल के साथ शादी ही नहीं की है। उनका कहना था कि यह शादी नहीं बल्कि एक लिव इन रिलेशनशिप था, इसलिए इस मामले में तलाक का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि हमारा अलगाव काफी पहले ही हो चुका है। एक बयान में TMC सांसद नुसरत जहां ने कहा कि निखिल जैन के साथ उनकी शादी कभी वैध नहीं थी, क्योंकि भारत में अंतरधार्मिक विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता की जरूरत होती है, जो उनके मामले में कभी नहीं हुआ। नुसरत की दलील है, चूंकि विवाह कानूनी, वैध और टिकाऊ नहीं था, इसलिए तलाक का कोई सवाल ही नहीं है। हमारा अलगाव बहुत पहले हो गया था, लेकिन मैंने इसके बारे में बात नहीं की क्योंकि मैं अपनी निजी जिंदगी को अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी। नुसरत जहां ने जून 2019 में तुर्की में व्यवसायी निखिल जैन से शादी की थी। उन्होंने उसी साल लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पारी भी शुरू की थी। बाद में कोलकाता में आयोजित रिसेप्शन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई थीं। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में निजी संबंधों में दरार की अटकलें लगने लगीं। नुसरत और BJP के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने वाले अभिनेता यश दासगुप्ता की नजदीकियों की चर्चा होने लगी। नुसरत ने अपने बयान में निखिल जैन का नाम लिए बिना अपने बैंक खातों से धन की अवैध निकासी का भी आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि अलगाव के बाद भी निखिल जैन उनके खाते से पैसे निकाल रहे हैं। निखिल जैन कोलकाता के एक व्यवसायी हैं और दोनों की मुलाकात शादी से 1 साल पहले कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। नुसरत के गर्भवती होने के बाद निखिल ने एक स्थानीय TV चैनल से बातचीत में कहा था कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वे लंबे अरसे से नुसरत के संपर्क में नहीं हैं। निखिल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि उन्होंने कोलकाता में नुसरत से अलग होने की अर्जी दायर की है। मामला अदालत में होने की वजह से उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से कुछ भी कहने से मना कर दिया। उनका कहना था, मैं बीते साल नवंबर से ही नुसरत से अलग रह रहा हूँ। जिस दिन मुझे पता चला कि नुसरत किसी और के साथ रहना चाहती हैं, मैंने उसी दिन दीवानी मामला दायर किया था। विवाह का पंजीकरण नहीं होने की वजह से मैंने शादी खारिज करने की अपील की है। जुलाई में इस मामले की सुनवाई होगी। टॉलीवुड के नाम से मशहूर बांग्ला फिल्म उद्योग के साथ ही राजनीतिक हलकों में भी इस विवाद को काफी हैरत से देखा जा रहा है।